ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा रहता है, उस झगड़े को हम कैसे समाप्त करें। ऐसा बहुत से परिवारों में होता है कि घर में निरंतर झगड़ा बना ही रहता है। छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा बनना अनायास ही प्रारंभ हो जाता है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और क्या इसका उपाय है, तो मैं आज आपको इसका एक सटीक उपाय बताऊंगा, जो कि बहुत ही छोटा सा उपाय है और बड़ा ही कारगर है। झगड़ा होने के घर में कई प्रकार के कारण भी होते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि दोनों के ग्रह नक्षत्र ना मिल पा रहे हों, ये भी एक झगड़े का कारण है, या एक दूसरे की बात ना मानते हों, या एक दूसरे से विमुख चलते हों, व्याभिचारिता हो, या घर में धन की कमी हो, या फिर घर के कोई कुलदेवी आदि रुष्ट हो, कोई पितर आदि रुष्ट हो, या किसी ने टोना टोटका कराया गया हो। तो ये सारे रीजन होते हैं जिन कारणों से घर में झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो आपको मैंने अलग अलग तरीके बताए। इन तरीकों में जैसे कि यदि आप गलत चल रहे हैं, पत्नी गलत चल रही है, तो वो तो उसका समाधान तो देखो सुधारने से ही होगा। और यदि कोई घर की कुलदेवी रुष्ट है या कोई घर का कोई पितर आदि रुष्ट है, तो उसका भी सही तरीके से उसका मान सम्मान, जो उसका पूजा पाठ है, जो उसका देना दुआना है, वो करके ही घर में सुख शांति होगी। या किसी ने टोना टोटका आदि कर दिया हो तो भी उसकी काट करके ही घर में सुख शांति होगी। परंतु कुछ कारण ऐसे होते हैं कि घर में बिना किसी बात के सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी अनायास ही घर में झगड़ा बना रहता है, पति पत्नी की नहीं बन पाती, छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा होता ही रहता है। तो उसके लिए एक सिद्ध उपाय जो मैं बता रहा हूँ, आप उसको कीजिए, और इस उपाय को करने से आपके घर में 100% शांति होगी, 100% आपके घर में खुशहाली आएगी। परंतु मैं आपको एक बात अभी बता दे रहा हूँ, यदि घर की कुलदेवी या घर की शक्तियाँ किसी कारण से नाराज हैं, आप उनका मान सम्मान, उनका पूजा पाठ टाइम पर नहीं देते, वे रुष्ट हैं, तो फिर ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 25% काम करेगा, 75% नहीं करेगा। यानी कि 100 में से 25% इसका कार्य होगा। और यदि घर की कुल देवी शक्ति आदि प्रसन्न है, उसके बावजूद दिक्कत आ रही है, तो ये कार्य 100% काम करेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि कुछ परिवारों में सिटी आदि शहरों में जो कुलदेवी को पूजते ही नहीं हैं, या अपने घर की जो शक्तियाँ होते हैं उनको पूजते ही नहीं हैं, पूजते हैं तो उनका समय पर एक टाइम होता है, होली दिवाली उस पर कर देते हैं, फिर भी झगड़ा बना हुआ है, तो वो इस उपाय को करें, 100% काम होगा। और जिनके परिवारों में कुलदेवी या घर की शक्तियों को नहीं पूजते, पहले वो उनका भी निकलवा लें, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, उनका निकलवा कर, उनका देकर, उसके बाद इस प्रयोग को करें, तो भी घर में 100% शांति होगी। और धन की यदि घर में कमी है तो भी घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो धन के लिए मैंने सटीक उपाय बताए हुए हैं, माता लक्ष्मी को घर में कैसे लाते हैं। मैं जिन चीज़ों को प्रयोग करता हूँ वही चीज़ मैंने प्रैक्टिकल वीडियो में बताई गई है। कई वीडियो मैंने माँ लक्ष्मी के विषय में बनाई हुई है, आप उनको देखिए और उनके मंत्रों का प्रयोग कीजिए, आपके घर में खुशहाली 100% आएगी। फिलहाल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से पति पत्नी का झगड़ा 100% खत्म होगा, इस प्रयोग को आप करें। इसके लिए ये प्रयोग दोनों कर सकते हैं, पति और पत्नी दोनों के लिए है ये प्रयोग। और यदि पत्नी को लगता है कि मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, मेरे से लड़ता झगड़ता रहा, बिना अनायास ही लड़ता झगड़ता है, छोटी छोटी बातों पे मेरे से गुस्सा होता है, तो पत्नी इस काम को करे। और यदि पति को लगता है कि पत्नी मेरी काम बिल्कुल भी बात नहीं मानती, पत्नी मेरे से विमुख रहती है, तो पति इस कार्य को करे। और यदि दोनों ही चाहते हैं कि हम दोनों खुशहाल रहें, दोनों ही चाहते हैं कि इस प्रयोग को करें, तो दोनों भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई दोनों कर देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। दोनों करेंगे तो और अति उत्तम बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपाय क्या है, उपाय आपको करना क्या है, यदि पत्नी कर रही है तो पति के लिए, और पति कर रहा है तो पत्नी के लिए। सोते समय जैसे कि हम मान लिया आप लेडीज हैं और अपने पति के लिए कर रही हैं, तो आपको अपने पति के बिस्तर में, उनके सोने से पहले, उनके सर के नीचे, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, जहां पर भी आपको उचित दिखे, कपूर, थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, कपूर जलाने वाला कपूर, पूजा का जो कपूर होता है, कपूर ये वाला कपूर आप ले लीजिए, ये टिक्की जो कपूर की आती है, सरस्वती की जो कपूर टिक्की आती है, ये टिक्की 2-3 टिक्की आप ले लीजिए कपूर की, और इस कपूर को तकिए के नीचे रख कर आप छोड़ दीजिए। रात भर आपका पति वहाँ पर सोएगा और सुबह उठकर अपने जो कार्य करना है वो करेगा। तो आपको करना क्या है, उस कपूर को उठाइए, और उस कपूर को उठाकर आप
कुछ देसी घी जो गाय का हो, ध्यान रखना देसी घी गाय को होना चाहिए, और उसको आप ऑलरेडी पहले ही पीतल के बर्तन में रख कर रखें। जो तरीके मैं बता रहा हूँ ये तरीका इसी तरीके से होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें घर में ऐसे होते हैं वास्तु दोष घर में आ जाते हैं, उस वास्तु दोष को भी निकालेगा, घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी निकालेगा, निगेटिविटी जिसे घर में बोलते हैं उसको निकालेगा, ग्रह नक्षत्र जो गड़बड़ चल रहे हैं उनको भी शांत करेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले ही देसी घी गाय का पीतल के बर्तन में रखा होना चाहिए। उस पीतल के बर्तन से थोड़ा सा देसी घी आप गाय का निकाल लीजिए, और शाम के समय आप अपने घर के पूजा स्थान पर, या पूजा स्थान नहीं है तो कहीं पर भी, आप उस कपूर में से थोड़ा सा कपूर उस घी के अंदर रखकर किसी दीपक में थोड़ा घी निकाल लीजिए, उसके ऊपर कपूर रखिए, उसको जला दो। आपको ये करना है। और यदि कोई राख बनती है या निकलती है तो उसका आप जलवा प्रवाह कर सकते हैं। ये प्रयोग आपको घर में निरंतर कुछ समय तक करते रहें, जब तक आपके घर में सुख शांति ना हो जाए, इस प्रयोग को कंटिन्यू कुछ समय तक करते रहें। पत्नी के लिए भी यही है और पति के लिए भी यही है, दोनों इस प्रयोग को करते सकते हैं, और 100% आपके घर में सुख शांति होगी, 100% होगी। और इसमें जो कपूर है और जो गाय का देसी घी से आप जला रहे हैं, इनको जलाने का पीछे अब मैं आपको बता दूं वैज्ञानिक कारण भी होता है। और वैसे भी गाय का घी जिस घर में दीपक के रूप में जलाया जाता है, उस घर में नकारात्मकता खत्म हो जाती है, निगेटिविटी खत्म हो जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। कपूर जलाने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती है, जब लक्ष्मी वास होगा तो घर में झगड़ा अनायासी शांत होता चलेगा, ग्रह नक्षत्र ठीक होते हैं, ग्रह नक्षत्रों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये मैं बिना किसी मंत्र तंत्र के प्रयोग बता रहा हूँ, इस प्रयोग को आप कीजिए, और ये प्रयोग 100% काम करता है, लेकिन बशर्ते घर की कुल देवियां आधी रुष्ट ना हो। यदि वे रुष्ट है तो पहले उनका समाधान कर ले, क्योंकि इस तरह की समस्या भी मैंने बहुत लोगों के साथ में देखी कि वो अपना जो होली दिवाली में जिन शक्तियों का पूज रहे हैं उनका पूजते नहीं, तो वे फिर रुष्ट होती है। जब वो रुष्ट होते हैं तो फिर ये चीज़ें पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा। आप इस प्रयोग को कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सभी भक्तों को जय श्री राम।